नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। और चला है 4 सितंबर, फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत जोड़ो यात्रा का हुआ ऐलान। राहुल गांधी भर रहे हुंकार, 7 सितंबर से हर जिले निकलने जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। आखिर क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, खड़गे ने एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर तानाशाही सरकार बताया, बीजेपी को जल्द ही सत्ता से बाहर करना होगा। आखिर क्या वजह है ये बताएंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन आशीर्वाद जनता का नहीं मिलने वाला है, कमलनाथ ने बोला है करारा हमला। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां दोस्तों असम में बहुविवाह पर लग गया है प्रतिबंध। हेमंत बिश्व शर्मा ने 45 दिन में लगाए दिए पूरी तरह से विधायकों के वाट, बताएंगे इसके बारे में। वही राहुल गांधी 10 सितंबर को जा रहे हैं नीदरलैंड यूनिवर्सिटी में, लेक्चर में रहेंगे शामिल, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही, मुस्लिम युवती के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने अभद्रता का बर्ताव किया है, बताएंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश से फिर एक बार पूरी तरह से दिल दहला लेने वाली खबर निकल के आ रही है। वही एक और बड़ी खबर, खुद को जिहादियों का जीजा कहने वाला बिट्टू बजरंगी को जमानत मिलने के बाद भड़की है पूरी तरह से हिंसा फिर से नूह में, बताएंगे इसके बारे में। वही कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद मध्य प्रदेश में हो जाएगा फेल, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हुई है कल अहम बैठक, जिसमें दावेदारों के नाम निकल के आ रहे हैं, सीटों का क्या कुछ रहने वाला है प्लान। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लगन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जी हाँ, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है और हर जिले से ये रवाना होने वाली है। जी आप सही सुन रहे हैं, कांग्रेस ने राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरा होने के मौके पर देश भर में हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। पार्टी इसके लिए कई जगहों पर आयोजन करने की योजना भी बना रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी। 145 दिनों तक में 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की गई थी। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरी तरह से यात्रा को विराम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा को लेकर कांग्रेस में चर्चा तेज़ हो गई है, इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही जिला कमेटी को भेज दी जाएगी। बता दें कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस में खास तौर पर राहुल गांधी 12 सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित किए थे, वहीं 100 से ज़्यादा बैठकें भी हुई थी, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे। इसके चलते वो 275 से ज़्यादा चर्चाओं में भी हिस्सा लिए थे। चर्चाओं के साथ साथ देखा जाए राहुल गांधी आम लोगों से भी मुलाकात किए थे। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरी तरह से कांग्रेस की छवि बदल गई और कर्नाटका चुनाव उसका परिणाम रहा। आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में भी आपको इसी तरह से बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का भी कुछ खास असर पड़ेगा और इस बार बीजेपी का सत्ता से बाहर होना तय मानी जा रही है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। एक और बड़ी खबर, खड़गे ने एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर बताया है तानाशाही सरकार का एक नया रवैया है, बीजेपी से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है 24 के चुनाव में जनता एक होकर सरकार बदलने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाया है। उन्होंने मोदी सरकार को पूरी तरह से तानाशाही सरकार बताई है, लोकतंत्र को पूरी तरह से भारत में धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और तानाशाही में तब्दील किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने की एक नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद भी प्रतिक्रिया में लाई है और इस पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखा जाए खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत के संविधान में कम से कम 5 संशोधन किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा, निर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को कम करने के लिए और साथ ही स्थानीय निकायों के स्तर पर ताकि उन्हें समकालिक बनाया जा सके संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। खड़गे ने आगे कहा है इसको लेकर आवश्यक प्रश्न भी उठ रहे हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी को कमतर आंकने के बिना क्या प्रस्तावित समिति भारतीय चुनावी प्रक्रिया में संभवतः बड़े व्यवधान पर चर्चा होगी या नहीं होगी, क्या राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों के परामर्श किए बिना इतनी बड़ी कवायद एक तरफा होना सही है या गलत, क्या यह विशाल ऑपरेशन राज्य और उनकी चुनी हुई सरकारों को शामिल किए बिना होना चाहिए या उन्हें शामिल करना होगा। वैसे आपकी क्या राय है जो ये सवाल किए जा रहे हैं, और देखा जाए जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें भी वन नेशन वन इलेक्शन पर ही चर्चा होने वाली है, अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर पर, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस बार जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वही सही सुन रहे हैं,
मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार पूरी तरह से दामाडोल हो चुकी है। अब देखा जाए बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खासतौर पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन प्रदेश की जनता का वोट उसे आशीर्वाद के रूप में हासिल नहीं होने वाला है। रविवार को देखा जाए जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कमलनाथ ने यह सब बातें कही। आज बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा करके जनता तक जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनके काम जनता तक नहीं पहुँचे। अगर बीजेपी जनता के बीच क्षमा प्रार्थी बनकर जाएगी तो आशा है कि मध्य प्रदेश की बड़े दिल वाले और जनता उन्हें औपचारिक रूप से माफ़ कर देगी। लेकिन कमलनाथ ने यह भी कहा है कि माफ़ तो कर देगी जनता, लेकिन इस बार जनता का आशीर्वाद वोट वाला बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, असम में बहुविवाह पर लगा प्रतिबंध। जी हाँ, असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा कि हम राज्य में लव जिहाद रोकने के लिए विधेयक के कुछ बिंदु जोड़े जाएंगे। शर्मा ने बहुविवाह को प्रतिबाधित करने के लिए जनता से सोशल मीडिया के जरिए राय मांगी थी। शनिवार को एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जनता की राय के बाद हम बहुविवाह को समाप्त करने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को असम के तिनसुकुरिया में एक सर्वदलीय बैठक की थी। उसे संबोधित किया और उन्होंने कहा कि राज्य में अगले 45 दिनों के अंदर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उन्होंने विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुविवाह एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने की प्रथा है। शर्मा ने बैठक में कहा है कि सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, यह पूरी तरह से ठीक होने वाला है या नहीं। वहीं अगर बात की जाए इसको लेकर सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि एक कानूनी समिति का भी गठन किया गया है जिसमें सकारात्मक विचार मिल रहे हैं कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, 10 सितंबर को नीदरलैंड जा रहे हैं राहुल गांधी, एक यूनिवर्सिटी के गेस्ट लेक्चर में भी रहेंगे शामिल। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 सितंबर को नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम प्रित्तो भी मौजूद रहेंगे। 10 सितंबर को वो 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राहुल गांधी और सैम प्रित्तो का संबोधन होगा। इस सत्र का नाम इंडिया वन वर्ड रखा गया है। इस कार्यक्रम के बाद कॉलेजियम रिमार्क ग्रेमिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीन मिशुफ विशी से भी वो मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी जिस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं उसका संचालन लीडेन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विनीत ठाकुर कर रहे हैं। यह कार्यक्रम सुरक्षा इंजीनियरिंग और आई प्राइवेसी ग्रुप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोशिंग के लीडर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ इंटेलिजेंट लॉरेंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक रूप है भारत, दुनिया के बारे में दृष्टिकोण जो सामने रखा है उसी तरह से राहुल गांधी भी रखना चाहेंगे। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अभद्रता का नया उदाहरण सामने निकल के आ रहा है। मुस्लिम युवतियों के साथ हिंदू वादी संगठनों ने अभद्र व्यवहार किया है। मध्य प्रदेश के देवास शहर के काजी और एक महिला के साथ अभद्र और हाथापाई का मामला सामने निकल के आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी और शहर का काजी दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। बीते गुरुवार को देवास जिले की सिल्वर पार्क कॉलोनी से गुजर रही एक मुस्लिम महिला को देखते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े 6 और 7 लड़कों के भद्दे कमेंट करने शुरू हो गए थे। और यहाँ पर देखा जाए जिसमें महिला के साथ ये हरकत भी की गई है, वह जूनियर काजी की परिचित थी। सूचना मिलते ही ज़िला के सार काजी अब्दुल कलाम और कुछ लोग मौके पर वकायत पहुँचे और इस घटना में विरोध करने लगे, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े लड़कों ने यही नहीं रुके, सार काजी के साथ भी बदसलूकी करते हुए काली गलौज और हाथापाई हुई, जिसके बाद सार काजी राइट टू सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से हवाई फायर कर दी, जिसके बाद आरोपी भाग गए। यह खबर जैसे शहर में फैली मुस्लिम समुदाय के लोग इनिस्ट्रियल थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। एक और अपडेट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अहम बैठक हुई है जिसमें टिकट दावेदारों के भी नाम सामने निकल के आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में बैठक की दौर जारी हो गई है। रविवार को कांग्रेस पार्टी ने भी दो बड़ी बैठकें की। पहली बैठक में कांग्रेस सभी मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों की मांग रखी है। इसके बाद कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रखी गई है। बता दें कि कांग्रेस सितंबर से पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकता है। रायपुर में रविवार को कुमारी सैलजा भी मौजूद रही। दोपहर 3 से 4 में बैठक हुई थी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक दूसरी बैठक भी हुई थी, और जो कि प्रदेश चुनाव समिति की यहाँ बैठक मानी जा रही है। दोनों बैठकों को लेकर राजीव भवन में चहल पहल तेज रही थी। पहली बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नव नियुक्त पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य चुनावी गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज की थी। सभी 90 सीटों पर दावेदारों को लेकर यह फैसला निकल के आ रहा है कि 90 विधानसभा सीटों के दावेदारों के नाम इसी हफ्ते आ सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। जलाना हिंसा मामले में 40 लोग हुए गिरफ्तार, एसपी की भी हो गई है छुट्टी, कई जिलों में बंद रहने का ऐलान। आप बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद जलाना हिंसा को लेकर रविवार से राज्य में कई जिलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जलाना में मराठा आरक्षण के दौरान लाठीचार्ज के बाद 19 ST की बसों को पूरी तरह से जला दिया गया और तोड़फोड़ की गई है। जलाना, लातूर, संभाजीनगर, धाराशिव जिलों में ST बसों को तोड़ा गया, जलाया गया। ST महामंडल को तोड़फोड़ के चलते अब तक 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं जलाना के SP तुषार डोसी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हुई हिंसा के बाद उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। जलाना में हुई हिंसा को लेकर 40 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्रों में बताया जा रहा है कि जलाना में मराठा आंदोलन रास्ते में रोका गया था, जिसके बाद पुलिस के बीच झड़प हुई ही, और आंदोलन के बीच खासतौर पर इसमें 6 लोग मुख्य रूप से घायल भी हो गए हैं। और देखा जाए जिन सबके ऊपर धारा लगी है 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पंजाब में अकेले कांग्रेस चुनाव जीतने को है तैयार, नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का साथ। इंडिया की बैठक 30 सितंबर से पहले सीटों के आवंटन पर फैसला लेने के लिए एक नया काउंटडाउन शुरू किया गया है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर से वही तीखी प्रतिक्रिया सामने निकल के आ रही है। एक तरफ सूबे में दोनों सियासी नेताओं की ठनी हुई है, वहीं दूसरी ओर केंद्र में दोनों पार्टियां हाईकमान पर अपनी बातें रख रही हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि वह खुद अपने दम पर पंजाब की सीट जीत कर दिखाएंगे। कांग्रेस के प्रधान व नेता व प्रतिपक्ष खुलेआम यह दावा कर रहे हैं कि इस बार पंजाब में गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने वाली है। अब देखा जाए 24 में NDA का सामना करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन, खासतौर पर इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर 30 सितंबर से पहले सीटों के गठबंधन को लेकर एक राय बनाई जा रही थी, लेकिन पंजाब में दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं और यहाँ पर ना तो कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तैयार है और न ही आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में पंजाब में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। अब पंजाब में कांग्रेस आम आदमी को हर कदम पर घेर रही है। कांग्रेस के प्रताप बाजवा, सुखपाल खैरा और अमिंदर राजा वागड़ी अलग अलग तरफ से आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, आने वाले समय पंजाब में आप किस किस सरकार देखना चाह रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर, ऋषिकेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरगाहों को तोड़ने वाले हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के ऋषिकेश में दरगाह और मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, जिससे धार्मिक भावनाओं को काफ़ी ज़्यादा आघात हो रहा है। इन सब मुद्दों पर देखा जाए तो अब खास तौर पर उत्तराखंड पुलिस ने जो भी धार्मिक भावनाओं को आघात कर रहे हैं इन सब के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में 10 कुकी परिवार बचे थे इम्फाल में, उन्हें पूरी सुरक्षित तरीके से निकाला गया है। मणिपुर में 3 मई को जारी हिंसा 4 महीने पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि इम्फाल घाटी में जो अंतरिम 10 कुकी समुदाय परिवार बचे थे उन्हें पूरी तरह से निकाल दिया गया है। जी हाँ, जबरन निकाला गया है। सरकार की तरफ से कुकी परिवार को 2 सितंबर को कांगपोई में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अफसरों का कहना है कि कांग
पोकपोगिंग जिले में कुकी समुदाय बहुलक बताया जाता है, ऐसे में सुरक्षित रहेंगे। इस परिवार को पहले लगातार सताया जा रहा था। वैसे आपकी क्या राय है मणिपुर को लेकर, जो जहाँ पर 3-4 महीने लगातार हिंसा चल रही, 120 दिन हो चुके हैं लेकिन हिंसा थमने को नाम नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर अपने कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। इस खास बुलेटिन में इतना ही मिलेंगे आपको बड़ी बड़ी के साथ, तब तक लेते